मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना से एनसीपी की खींचतान जारी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना और एनसीपी में खींचतान जारी है और इस बीच एनसीपी ने शिवसेना उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कवायद तेज कर दी है। यानी मुख्यमंत्री पद को लेकर जो भी खींचतान शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच है उसे दरकिनार करते हुए उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार की जीत को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। खबर है कि शरद पवार समाजवादी पार्टी को शिवसेना के पक्ष में लाने में सफल हो गए हैं। राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने में सपा ने मदद की थी और अब शरद पवार से लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, बेटी सुप्रिया सुले तक ने शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए दम भरना शुरू कर दिया है। बुधवार को राकंपा ने सपा के 2 वोट हासिल करने के लिए नेता अबू आजमी को तैयार कर लिया। अजीत पवार ने अबू आजमी को मनाने में बड़ी भूमिका निभाई। राकंपा नेतृत्व की तरफ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव से संपर्क भी किया गया। शरद पवार ने अखिलेश यादव को फोन करके एमवीए के पक्ष में वोट देने के लिए कहा है। मिली जानकारी की माने तो यहां पूरी तरह से शरद पवार ने जान लगा दी है शिवसेना के उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव में जिताने की और इसके लिए न सिर्फ एसपी बल्कि AIIMIM से भी शरद पवार ने संपर्क साधने की पहल की है। यानी गठबंधन में खींचतान एक तरफ लेकिन विपक्षी दलों के सामने शरद पवार इस गठबंधन को टूटने बिल्कुल नहीं देंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।